सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भक्ति बिना नर भक्ति न पावई मोरी। जय सियाराम। आज 103 दिन आज के पाठ में पूरे होंगे। 108 दिनों में से 103 दिन, 5 दिन और शेष है। उम्मीद है आप सभी अपना को ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इट्स अमेजिंग दैट वी हैव रीच्ड 103rd डे ऑफ 108 डेज श्री रामचरितमानस पाठ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। इतना बढ़िया समय मिला कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर और उनके दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस का, जिसमें उनके चरित्रों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है, उसका पाठ कर रहे हैं। और अब 5 दिनों में पाठ पूरा होने जा रहा है। आप सब भी बहुत शुभकामनाओं बधाई के पात्र हैं। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसे ही, और सदैव उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे। मीनवाइल अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक ऑल प्रिकॉशंस दैट यू कैन एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस पैंडेमिक COVID-19 एंड प्लीज कीप ऑल योर लव्ड वंस सेफ टू। And that can only happen if you keep yourself safe. So let's all take our own responsibility. Let's be morally responsible and socially very responsible. And let's not be instrumental in any way or manner in spreading this disease. Aaj ka paath, doha sankhya 89 ख, कपलेट नंबर 89 बी, चैप्टर 7 उत्तर कांड, अध्याय 7 उत्तर कांड के दोहा संख्या 89 ख से आज का पाठ शुरू होगा। सबसे पहले बजरंगबली का ध्यान करेंगे। रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ओम दासो हम को सेन्द्र से राम श्या कृष्ण करवण हनुमान शत्रु सैन्यालाम यत्ता मारुतात्मज सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यार्भि विशालाक्षि विद्याम देहि नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम
सो दशरथ अजर बिहारी। तो नवासी ख दोहा नहीं है, सोठा है। तो कल जहां आपने जिस सोठे पे कल का पाठ समाप्त किया था, वो दो सोठे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका फिर से पाठ करते हैं और फिर आज का पाठ। ज्ञान की होई विराग बिनु, बिनु गुरु होई की ज्ञान, सुख की लही हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण, तात सहज संतोष बिनु, को विश्राम की पाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए, चले की जल बिनु नाव। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख कभी मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। आज का पाठ। बिनु संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने हुनाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु वही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, सील की मिल बिनु बुध सब काई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है, जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है, पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई भीर समीरा, कवने उसिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है, वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति सुख नहीं पाता। तज कुतर्क संशय सकल अस विचारी मति धीरी, करुणा कर सुंदर सुखद भजहु राम रघुवीर। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहउ न कछु करि जुगति बिसेखी, यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे बक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया, मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी कही। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव कि थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं,
किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई इसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अवति हरिवर्धन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अवति अवकाशा। श्री राम जी का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, सबल सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। काल कोटि सत सरिसियति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि समय, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत है, हे भगवान अरबों धूम केतुओं की पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समल कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सब पावन, नाम अखिल अग पूग नसावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, काम धेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों काम धेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है, वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं, बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं, अधिक क्या। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम, कहै जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहते अति लघु ताल है, एहि भाति निज निज मति बिलास, मुनि से हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है, वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, हाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ, तुम्हें सुनायउ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख निधान करुणा भवने, भाव मत्स्य भगवान, भजिए सदा सीतारवन, तजी ममता मदयान। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान, भाव प्रेम के वश है, अतएव ममता मत और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रतापुरी आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए, उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया।
पाचिल मोह समुझ पछताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरै न कोई जौं बिरंचि शंकर सम होई संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे नाथ, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक वही जी आय जन सुखदायक तब प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रसंसि विधि विधि शीश नाहि कर जोरी वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। उनकी यानी भुशुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अभिवेक ते बूझौ स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहो जानी दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अभिवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तव पारा सुमति सुशील सरल आचार ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले तत्व के ज्ञाता अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देहि यह पाई तात सकल मोहि कहउ बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहउ नभ गामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाश गामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय हु नास तब नाही बुधा वचन नहीं ईश्वर कहई सो मोरे मन संशय है। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा अर्ध कटाह अमित लयकारी काल सदा दुर्तिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। अति कराल कारण कवन तुम्हें न व्यापत काल ज्ञान प्रभाव की जोग बल मोहिसो कहउ कृपाल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखला था, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, क्या यह आपके ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है कि आपको काल व्यापता नहीं है? आप महाप्रलय के बाद भी सतत रहते हैं। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से पूछ रहे, प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सुनात सब कहो सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष उकागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तब मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहियाई। सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर से मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शब मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। श्रुति सलवत सज्जल कही, पल्लगारी असि नीति। करिय जानि निज परम हित, अति नीच हुसन प्रीति। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। तहिते पाटंबर रुचिरि पाट कीटते होई, परम अपावन प्राण सब कृमि पालै सब कोई। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि सब देही, कभी को विधि न पसंद सही देही। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी से विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से यह स्वामी यह काक शरीर मुझे परम प्रिय। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जल में उजह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेक जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। देखऊं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो विहगे से। सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। धर अरुणार्य धर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पराया और वेद के विरोधी थे। तही कलयुग कोसल पुर जाई, जलवत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, आन देव निंदके अभिमानी।
उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला। जदपि रहे रघुपति रज दानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, अयोध्या में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराने असगावा। कबले हु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धन पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप पारायण यानी पापों में लिप्त थे। कलिबल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, तब फिर निजमति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। तपियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बसे लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के यानी के कलयुग के कुछ धर्म, उनके कुछ जो गुण है कलयुग के, वो कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है, डींग हाँकता है, वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़े आचार। जो कह झूठ बस खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान। जो तप करता है वही बड़ा आचारी। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नके अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचार ही रहे और वेद मार्ग को छोड़े हुए, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नरे, पूजित कल युग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते, जो भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते, वही योगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य। तिन कर गौरव मानते जे अपकारी चार, तेई वक्ता कलिकाल महु मन तव वचन लबार। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी के अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते। नारी विवस नर सकल गोसाई, नाच ही नट पर कटकी नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, बेली जने उले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी,
देव विप्रसूति संत विरोधी गुरु मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नबीना गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक जो गुरु है वो देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक महु परई मात पिता बाल कही बुलावही उधर भरई सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित नहीं करते कलियों के, पेट भरने वाले धर्म को सिखाते। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहि न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। बाद ही सूत्र द्विजल सने हम तुम ते कछु घाटी जाने ब्रह्म सो विप्र बरे आंख देखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सुभापति महादेव जी महाराज की जय। राधेवर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता के समस्त गुरुजनों की जय। समस्त देवी देवताओं की समस्त पूर्वजों की जय। बोलो भाई सब सत्तर की जय। बोलो भाई सब भक्तर की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दशरथ अजिर बिहार मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इस प्रकार आज 103 दिन का पाठ यही पूरा होता है। दोहा संख्या 99 का काकभूषुंडी जी कलयुग के गुण और दोष, पहले तो दोष बता रहे हैं फिर उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण बताएंगे कल। और प्रभु की कृपा से कल भगवान शंकर का रुद्राष्टक पाठ भी होगा। यह अत्यंत शुभ संकेत है। कल है पुत्रदा एकादशी और भगवान शंकर जिनकी भक्ति के बिना भगवान राम श्री हरि की भक्ति नहीं पाई जा सकती, उनका रुद्राष्टक पाठ कल के प्रसंग में आएगा। तो आप सभी को पहले से ही मैं पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं देता हूं। फिर आपसे कल के पाठ में मुलाकात होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी
शंकर भगति बिना नर भगति न पावई मोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 एही भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय सियाराम।